स्टेशन नंबर टू में आ जाइए, ये राम के पास स्टेशन नंबर टू में क्या दे रखा हुआ है, द कंपनी वेंट लिक्विडेशन हुज क्रेडिटर वेयर 36,000। तो यहाँ पे कंपनी का क्रेडिटर कितने का दे रखा हुआ है, 36,000 का, और इस कंपनी का क्या हो रहा है, लिक्विडेशन हो रहा है। आगे समझ में, दिस अमाउंट ऑफ 36,000 इंक्लूड 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वेजेस ऑफ 15 मैन एट ₹100 पर मंथ फॉर 4 मंथ। इस तरह से यहाँ पे वेजेस का दे रखा हुआ है जो 36,000 है, एक बार लिखते चलता हूँ। तो आप लोग कॉपी में आ जाए, इलस्ट्रेशन नंबर ये कौन सा है, ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर, और ये सही चैप्टर है ना, लिक्विडेशन। हाँ ठीक है, इसमें क्या बोला कि यहाँ पे कंपनी क्या हो रहा है, लिक्विडेशन हो रहा है, जिसमें क्रेडिटर कितने का है, तो यहाँ पे क्रेडिटर दे रखा हम लोग के पास 36,000 का। ये समझने में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्रेडिटर हम लोग को अभी 36,000 का दे रखा हुआ है। अब इस क्रेडिट में क्या बोला, क्रेडिटर में 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ 15 मैन एट ₹100 पर मंथ फॉर 4 मंथ, तो यहाँ पे दे रखा हुआ है। इस क्रेडिटर में से एक पार्ट जो निकला, इसमें यहाँ पे 15 जो वर्कर के लिए दे रखा हुआ ना, वेजेस के लिए दे रखो, तो यहाँ पे 15 जो है मैन, और यहाँ पे एक मैन को कितने का मिल रहा है, 15 मैन को, और एक को मिल रहा है 100, और ये 100 करके मिल रहा है कितने मंथ के लिए, तो यहाँ पे 4 मंथ के लिए हम लोग को मिल रहा है, ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है वेजेस। ये समझ में आ गया आप लोग का पास, आप लोग को कि सबसे पहले हम लोग को सबसे दे रखो क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने का दे रखा, 36,000 का, और इस क्रेडिटर में से एक वेजेस का पार्ट है जिसमें 15 लोग काम कर रहे हैं, एक को मिल रहा है 100 और 4 मंथ के लिए है। तो इस तरह से ये कितना आ गया, ये आ गया हम लोग के पास 6,000, वैसे भी दे रखा हुआ था 6,000, और मल्टीप्लाई करके भी हम लोग चेक कर लेते हैं, ये 6,000 यहाँ पे, तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे सबसे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा हुआ, इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ वाइंडिंग अप, यहाँ पे ये हो गया वाइंडिंग अप, 9 तक का दे रखा हुआ था हम लोग के पास। उसके बाद ₹9,000 इज बीइंग द सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉई ₹3,300 पर मंथ फॉर प्रीवियस ऑफ 6 मंथ, यहाँ पे बाकी जो हम लोग को दे रखा हुआ है, तो बाकी अमाउंट में हम लोग को 9,000 का दे रखा हुआ है, जिस 9,000 में हम लोग कितना दे रखा हुआ है, 9,000 का हम लोग को दे रखा हुआ है। 9,000 किस तरह से आया, तो 5 एम्प्लॉई है और एक एम्प्लॉई को 300 मिल रहा है, 5 एम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉई को कितना मिल रहा है, 300 करके मिल रहा है, और ये लास्ट 6 मंथ का दे रखा हुआ था, ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है। ये है हम लोग के पास सैलरी का इन्फॉर्मेशन जो इसी 36,000 में से है। और सम्स में आगे देखते हैं, रेंट फॉर द गोडाउन ऑफ लास्ट 6 मंथ अमाउंटिंग टू 3,000, और इसमें ही ये इसी में रेंट का भी है, रेंट ऑफ गोडाउन कितने रुपए का दे रखा है, रेंट का 6 महीने का रेंट, तो यहाँ पे 6 मंथ का रेंट इज इक्वल टू कितना है, ये हम लोग को 3,000 दे रखा हुआ है। तो देखिए 36,000 में पहला पार्ट हो गया जो वेजेस के लिए, दूसरा पार्ट सैलरी के लिए, तीसरा हो गया रेंट फॉर गोडाउन के लिए, उसके बाद इनकम टैक्स डिडक्टेड आउट ऑफ द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय ₹1,000, तो यहाँ पे TDS के लिए बदले अभी हम लोग को दे रखा हुआ है, जो कितना है TDS के बदले ₹1,000। आगे सम्स में, इन एडिशन इट इज एस्टिमेटेड दैट द कंपनी वुड हैव टू पे 3,000 एज कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय, यहाँ पे एक कंपनसेशन का भी दे रखा हुआ है, कंपनसेशन का कितना दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे दे रखा कंपनसेशन का 3,000। आगे सम्स में कंपनसेशन का हो गया, विच वॉज कंटिजेंट लाइबिलिटी नॉट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी एंड नॉट इंक्लूडेड इन द अबव क्रेडिटर फिगर, तो यहाँ पे क्रेडिटर फिगर में नहीं है। और सम्स में हम लोग को निकालना क्या है, तो सम्स में हम लोग को निकालना है फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो हम लोग को सम्स में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर निकालना है। ये समझ में आ गया आप लोग को, अभी तक में सम्स में क्या क्या दे रखा था, तो देखिए सम्स में हम लोग को सबसे पहले 36,000 का क्या दे रखा हुआ है, क्रेडिटर दे रखा हुआ है, जिस क्रेडिटर में वेजेस के लिए क्रेडिटर कितना है, तो यहाँ पे 15 लोग को मिल रहा है 100 करके, और यहाँ पे 4 मंथ के लिए, तो इस तरह से 6,000 वेजेस का हो गया। फिर नेक्स्ट 9,000 मिल रहा है सैलरी के बदले, जो 5 लोग को मिल रहा है, एक को 300 करके, और यहाँ पे 6 मंथ के लिए, और उसके बाद रेंट फॉर गोडाउन जो है 3,000 का, और यहाँ पे TDS कितने का है 1,000 का, एंड उसके बाद क्या दे रखा कंपनसेशन यहाँ पे 3,000 का। देखिए टोटल करके देख लेता हूँ एक बार, 6,000 प्लस 9,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000 प्लस 3,000, तो ये हम लोग के पास कितने का दे रखा टोटल का, 22,000 का हो गया, और जो बचा हुआ हम लोग का हो जाएगा 22,000 को छोड़ करके, जो हम लोग का बचा हुआ रिमेन पार्ट हो गया रिमेनिंग, वो हम लोग क्या मानेंगे, ये मानेंगे अनसिक्योर क्रेडिटर है। ये समझ में आ गया आप लोगों को, क्रेडिटर है जिसमें वेजेस हैं, सैलरी है, फिर रेंट है, उसके बाद TDS के बदले है जो गवर्नमेंट का ड्यू दे रखा हुआ था, तो गवर्नमेंट ड्यू है, उसके बाद कंपनसेशन ये दे रखा होता है, इससे हम लोग को निकालना है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हम लोग किस तरह से निकाल देते हैं, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हम लोग किस तरह से निकालते हैं, 3 कैटेगरी हम लोग का होता था मेनली। फर्स्ट कैटेगरी में क्या आता था, तो सबसे फर्स्ट कैटेगरी में आता था हम लोग का वर्कर का, और वर्कर में
चाहे वेजेज हो, रिटायरमेंट बेनिफिट हो या कंपनसेशन हो, कुछ भी हो, तो इसमें कुछ भी लिमिट नहीं होता था। वर्कर का जो कुछ भी होता था वो हम लोग भी लेते थे। दूसरा होता था इम्प्लॉय का। अब इम्प्लॉय में सैलरी के लिए लिमिट होता था। क्या सैलरी के लिए लिमिट होता था हम लोग का? तो सैलरी के लिए लिमिट होता था 4 मंथ्स का सैलरी या 20,000 पर इम्प्लॉय। 20,000 क्या? पर इम्प्लॉय, ये हम लोग का लिमिट होता था। किसका? तो सैलरी का लिमिट होता था। और तीसरा क्या होता था हम लोगों का? गवर्नमेंट ड्यू होता था। जिस गवर्नमेंट ड्यू में हम लोग को देखना होता था लिक्विडेशन से जस्ट 12 मंथ्स बिफोर तक का। लिक्विडेशन जिस दिन हो रहा था उससे जस्ट 12 मंथ के बीच में अगर कुछ भी ड्यू होता है गवर्नमेंट का, तो उस ड्यू को भी माना जाता था प्रेफरेंशियल क्रेडिट। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग का जो प्रेफरेंशियल क्रेडिट होता था वो 3 कैटेगरी में होता था। एक वेजेस होता था, वेजेस में कुछ भी लिमिट नहीं होता था, या जो वर्कर का वेजेस हो गया, या रिटायरमेंट बेनिफिट हो गया, या कंपनसेशन फंड हो गया। फिर इंप्लाई में कंपनसेशन फंड रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कुछ भी लिमिट नहीं होता था, बट सैलरी के लिए यहाँ पे लिमिट होता था कि सिर्फ और सिर्फ उसे मिलेगा 4 मंथ्स का सैलरी मिलेगा, और उसके बाद यहाँ था 20,000 पर इंप्लॉय, ये हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट ड्यू में बोला था कि लास्ट 12 मंथ्स तक का होगा गवर्नमेंट ड्यू, तो उसे क्या माना जाएगा? तो उसे माना जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो इस सब में हम लोग को ये दे रखा है क्रेडिटर टोटल 36,000, इससे निकाला है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। देखिए वेजेस में तो कुछ लिमिट होगा, तो आंसर इज नो। वेजेस जो भी 6,000 का है वो हम लोग का 6,000 हो जाएगा। अब यहाँ सैलरी में हम लोग 6 मंथ देंगे, तो आंसर इज नो। इसमें हम लोग कितना मंथ देंगे? इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ देंगे। सैलरी में 4 मंथ लिखा हुआ था ना, तो इसलिए हम लोग सैलरी में सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ का देंगे। उसके बाद आगे देखा हुआ रेंट फॉर द गोडाउन, तो ये रेंट आता है क्या? तो आंसर इज नो, ये तो गवर्नमेंट ड्यू नहीं है। फिर टीडीएस है, तो टीडीएस तो गवर्नमेंट ड्यू होता है, तो ये भी हम लोग का हो जाएगा। ये भी 4 मंथ का हो गया और यहाँ पे 6,000 का हो गया। और जो कंपनसेशन होता है, तो कंपनसेशन तो देना ही होता है, चाहे रिटायरमेंट बेनिफिट पे हो, चाहे वर्कर का हो, चाहे एम्प्लॉई का हो। तो इस तरह से ये हम लोग का क्या आ जाएगा? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। किसको ऐड करने से? 6,000 को, और यहाँ पे 4 मंथ का, और यहाँ पे 1,000 का, और यहाँ पे 3,000 को ऐड करने के बाद हम लोग आ जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो चलिए बनाते हैं। ये रहा यहाँ से मेन सॉल्यूशन। पहले एक बार आप लोग को समझा दिया कि क्वेश्चन में क्या बोला है, उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन में आ जाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। ये तो सिंपल हो गया ना आप लोग के लिए। अब इसमें क्या क्या होगा? सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या रखा था? वेजेस के लिए दे रखा था, तो यहाँ लिख देता हूँ वेजेस। और वेजेस में कितना हो जाएगा? तो जो दे रखा था हम लोग का पास 50 और 100 करके, और ये लास्ट कितने मंथ का था? यहाँ पे 4 मंथ का था, तो यहाँ पे 4 मंथ्स। तो 15 × 100 × 15 × 100 × ये हम लोग का कितना आ गया? 6,000 का। तो ये तो वेजेस के लिए हो गया। वेजेस के बाद हम लोग को क्या दे रखा था? सैलरी के लिए। तो चलिए यहाँ पे लिखता हूँ सैलरी के लिए। सैलरी में क्या था? तो सैलरी में जितना भी इम्प्लॉय होगा सबको मिलेगा, बट सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ का मिलेगा, या 20,000 पर इम्प्लॉय मिलेगा। तो यहाँ पे 5 × 300 × 4 ये आ जाएगा। 5 मंथ इम्प्लॉय है, 300 करके एक को मिल रहा है, और सिर्फ मिलेगा 4 मंथ के लिए। यह आ जाएगा हम लोग का 5 × 300 × तो ये भी हम लोग का आ गया सैलरी का 6,000। ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे सबसे हम लोग का बोला क्या कि गोडाउन के लिए रेंट फॉर गोडाउन, तो ये होगा। तो आंसर इसको टीडीएस तो होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ड्यू है जो लास्ट 12 मंथ का। फिर कंपनसेशन भी हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए टीडीएस, और यहाँ पे कंपनसेशन टीडीएस था 1,000 और कंपनसेशन 3,000। और तो कुछ नहीं है ना। चलिए ये ऐड करके जो हो जाएगा वो हम लोग का हो जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। 6 6 12 13 16,000। तो ये समझ में आ गया आप लोग का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अब एक बार बुक में देख लीजिए, तो बुक में भी यही दे रखा है टैक्स डिडक्शन एट सॉर्ट ऑन सैलरी। तो ये हम लोग का फर्स्ट हो गया। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे 4 मंथ्स का हो गया। वेजेस में जो वेजेस दे रखा था वो तो वेजेस सारा लेना ही है हम लोग को, और यहाँ पे सैलरी सिर्फ और सिर्फ 4 महीने का लेना होता था। फिर वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये भी हम लोग का सारा लेना होता। तो इस तरह से हम लोग का टोटल आ गया 16,000, जो आ गया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। आगे सब्स में ये आप लोग को नोट्स बिल्कुल भी भूल के नहीं आना एग्जाम में। ये आप लोग को करके आना, बुक में मार्किंग कर लीजिए कि ये आपको एग्जाम में नहीं भूलना है नोट्स देना। इसमें क्या? तो यहाँ पे वेजेस सैलरी पेबल टू द एनी एम्प्लॉय ड्यू टू पीरियड नॉट एक्सीडिंग 4 मंथ्स। तो यहाँ पे वेजेस को काट दीजिए, वेजेस नहीं होता था, वेजेस में कुछ भी लिमिट नहीं था। सैलरी पेबल टू एनी एम्प्लॉय, अच्छा हाँ, वेजेस टू एम्प्लॉय यहाँ पे बोला, वर्कर नहीं बोला, तब तो हो जाएगा। तो देखिए सैलरी या वेजेस जो इम्प्लॉय को यहाँ पे मिल रहा है, जो भी इम्प्लॉय को मिलेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 महीने का मिलेगा, या 20,000 पर क्लेमेंट, मतलब पर इम्प्लॉय यहाँ पे मिलने वाला है।
फिर बोला यहाँ पे रेंट फॉर गोडाउन इज नॉट इंक्लूडेड इन रेफरेंशियल क्रेडिट, तो रेंट फॉर गोडाउन भी नहीं इंक्लूड किया जाता है। और इसी के साथ हम लोग का ये जो है इलस्ट्रेशन नंबर टू कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3, बट उससे पहले हम लोग जानेंगे बिल इज कंट्रीब्यूटेड।